इधर से भी रास्ता सारे आला अधिकारी डीजीपी इसके सिंगल एडीजी मकसद सबसे बड़ा ये है, एक तो अपने जो हमारे अधीनस्थ हैं, चाहे वो अफसर हैं, गजेट अफसर हैं, चाहे वो हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, हमारे जवान हैं, उनसे बहुत स्ट्रांग संवाद स्थापित करना, उनकी एक एक बात सुननी, समझनी, उनकी बात की समस्याओं को उनको भी दूर करना, और साथ में जो हम उनसे करवाना चाह रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल साफ साफ तरीके से उनको बताना कि ये काम हर हालत में करने हैं, समाज की भलाई के लिए काम करने हैं, अपने मान सम्मान को ऊंचा रखने के लिए करने हैं, सरकार का नाम ऊपर करने के लिए सारे के सारे काम करने हैं, ये प्रयोजन है और ये लगातार चलेगा। वरीय पदाधिकारी अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा जो है वो अपने अधीनस्थों को हर हालत में देंगे और वो फील्ड की विजिट खूब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि जो समस्याएं हैं वो सामने आए, उसका निराकरण हो सके और पब्लिक से भी जरा हमारा संवाद और अच्छा हो सके, और उन हमारे जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको भी इस बात में खास तौर से कहा जा रहा है कि वो संवाद जो है पब्लिक से कितना अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं वो करें। आज क्या टास्क दिया सर आपने? आज जो है हमने बुनियादी तौर पर क्राइम कैसे कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, और जो हमारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम करने के दौरान कुछ कुछ कमी छोड़ रहे हैं, उन कमियों को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करके और उसको उनके जहन में सही तरीके से उतारा गया है और उनको बताया गया है कि ये जो कमियां हैं इनको हर हालत में दूर करना है। साधनों का और ज़्यादा ऑगमेंटेशन जो है वो हम लोग करेंगे। जाहिर सी बात, आपने रिव्यू किया होगा पटना जिला का, रिव्यू किया आपने, सेटिस्फैक्ट्री रहा ये? अभी हमने जो पटना जिला का रिव्यू किया उसके अंदर हमने कुछ थाने आइडेंटिफाई किए जहाँ पर क्राइम की कुछ वृद्धि हुई है, उन वहाँ के जो अफसर हैं उनको खास तौर से बता दिया गया, चेतावनी दे दी गई है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होगा तो हम लोग उनको इस जिला से हटा देंगे। इसी तरह से हमने अनुमंडल पर भी बात की है, कुछ हमारे ऐसे अनुमंडल हैं जहाँ पर कि जो काम है काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उनके जो इंचार्ज हैं, जो हमारे SDPO हैं, उनको भी अच्छे से बता दिया गया है कि वो अपने काम में तेज़ी लाएं और जो मदद चाहिए मदद करने को हम तैयार हैं, लेकिन अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो वो भी इस जगह से चले जाएंगे। सर, जिलों में आप ADG रैंक के अधिकारी भी आपकी समीक्षा करेंगे, इसको लेकर क्या? नहीं देखिए, जिलों में जो मैंने जैसा कहा कि हमारे जो सीनियर अफसर हैं उनमें ADG भी हैं, IG भी हैं, DIG भी हैं, वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करके अच्छे से अच्छी पुलिसिंग कैसे हो, जो जो पुलिसिंग में कुछ कमी रह रही है उस कमी को आइडेंटिफाई करके उसका क्या क्या हल हो सकता है, उस काम के लिए जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।